हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किरण की शादी के बाद उसके ससुराल का पहला दिन था। किरण सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और घर का सारा काम करके खाना बनाने लग जाती है। इतनी जल्दी सारा काम हो जाता है, लेकिन अभी तक घर में बाकी के सभी लोग सो रहे थे। किरण फिर भी कुछ ना कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रख रही थी। काफी देर बाद 8 बजे जब सब घर वाले सोकर उठते हैं और नहा धोकर सभी अपने कमरे से बाहर आते हैं, तभी किरण की ननद काव्या अपनी माँ सावित्री और किरण से कहती है, माँ भाभी ये क्या है, कल तक तो पूरा घर बिखरा पड़ा था और आज इतनी सुबह सारा साफ है। हाँ, इतना साफ तो ये तब भी नहीं रहता जब हम सफाई करते हैं, तो आज फिर ये किसने साफ किया? मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, तो किसने? काव्या तूने किया है ये सब? माँ आपसे सुबह उठा नहीं जाता है, तो मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ, मैं कौन सा सुबह जल्दी उठ सकती हूँ? मैं भी तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मैं कौन सा घर साफ कर सकती हूँ? तो क्या भाभी ये सब आपने किया है? हाँ वो क्या है ना, मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ जल्दी उठ ही गई हूँ तो क्या करूँ, इसलिए सारा घर साफ कर दिया और मैंने आप सभी के लिए खाना भी बना दिया है। क्या तूने ये सब किया और इतनी जल्दी खाना भी बना दिया? अरे बहू कितनी जल्दी उठ गई थी तू? माँ जी मैं तो 4 बजे की ही उठी हूँ, मुझे लगा तब आप लोगों को उठाना ठीक नहीं रहेगा इसलिए नहीं उठाया था, लेकिन आप दोनों मुझसे ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं भाभी आपने कुछ गलत नहीं किया, वो क्या है ना पहली बार हमारे घर में रोज से कुछ अलग हुआ है, तो बस इसलिए माँ और मैं हैरान हो रहे हैं, बाकी कोई और बात नहीं है। अलग हुआ है? क्या अलग हुआ है आज, मुझे भी बता दो। बहू आज तक तो हमारे घर में कोई भी जल्दी नहीं उठा था, खाना भी अभी बनना शुरू होता था और तूने सुबह उठकर सारा काम भी कर दिया, इसलिए बस चौंक गए हम दोनों। अच्छा वैसे आज मेरी पहली रसोई है, तो मैंने आप सभी के लिए मीठा भी बनाया है। भाभी आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा, आपके हाथों का जो खाना खाने को मिलेगा। बहू वो सब तो ठीक है, आज इतनी जल्दी उठ गई पहली रसोई थी, लेकिन आगे से ये 4 बजे मत उठाकर सब सो रहे होते हैं। माँ आप भी ना, भाभी को जल्दी उठने से क्यों मना कर रही हो? अरे भाई जब भाभी की आदत ही है 4 बजे उठने की, तो उन्हें अपनी आदत बदलने की क्या जरूरत है? किरण के जल्दी उठने से उसकी सास और ननद दोनों हैरान थे, लेकिन आज पहली बार उनके घर में कुछ अलग हुआ ये सोचकर दोनों खुश थे। ऐसा ही आगे भी होता है। अब किरण सुबह जल्दी उठ तो जाती, लेकिन कोई काम नहीं करती। सुबह सुबह जल्दी उठकर सिर्फ फोन चलाने लगती या फिर टीवी देखा करती। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने कमरे से बाहर आती है और कुछ खाना ना बना हुआ देखकर किरण को जोर से आवाज लगाती है और बोलती है, बहू तू तो जल्दी उठ गई थी ना, फिर भी खाना क्यों नहीं बनाया तूने? माँ जी जल्दी तो उठ गई थी, लेकिन जब आप लोग खुद 8 बजे ही उठते हैं, तो मैं इतनी जल्दी खाना किसके लिए बनाऊं? इसलिए अब तक मैंने खाना नहीं बनाया और सोचा कि आप लोगों के उठने के बाद ही बनाती हूँ। मैंने अब तक ये सोच कर नहीं बोला कि मुझे लगा जल्दी उठकर तुझसे खाना नहीं बनाया जाता होगा, लेकिन तू तो हमारे भरोसे ही बैठी रहती है। हाँ माँ जी लेकिन इसमें गलत बात क्या है, सास बहू ननद तीनों मिलकर साथ खाना बनाएंगे तो खाना जल्दी भी बन जाएगा और खाने में ज्यादा वैरायटी भी मिल जाएगी। अगर खाना हमें ही बनाना है तो तेरे जल्दी उठने का क्या ही फायदा होता है, सुबह सुबह जल्दी उठकर तू करती क्या है अकेले बता जरा, क्योंकि खाना तो बाद में ही बनता है ना। माँ जी करना क्या है, अब मैं अकेले सुबह बोर ना हो जाऊँ इसलिए टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत फोन चला लेती हूँ, 8 बजे तक तो फिर आप सब लोग उठ ही जाते हैं। अच्छा तो तू इतनी जल्दी उठकर टीवी देखती है और फोन चलाती है, अब देख मैं बताती हूँ जल्दी उठना क्या होता है। चलो अब तो माँ जी भी मेरे साथ जल्दी उठने की आदत डालेंगी, अरे जल्दी उठना अच्छी आदत होती है और यहाँ सब लेट ही उठते हैं। सावित्री इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सावित्री अपनी बहू से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सुबह जल्दी तो उठ जाती थी लेकिन कोई काम नहीं करती थी। अगले दिन सावित्री भी सुबह जल्दी उठती है और अपनी बहू से कहती है, देखा मैं भी जल्दी उठ गई ना, चल अब चलकर काम कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। माँ जी सुबह उठी गई हो तो मेरी बात मानो, हमें ना सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, शादी से पहले मैं सुबह सुबह उठकर योगा करती थी। मैं इसलिए जल्दी उठी हूँ ताकि तू कुछ काम करे और तू मुझे योगा में लगा रही है।
माँ जी, लेकिन योगा से ही सब अच्छा होगा। अब आप बताओ, अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे शरीर के लिए ही अच्छा होगा ना। और आपको पता है, ताज़ी हवा लेने से भी फायदा होता है। चल चल, मुझे मत बता क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब मैं अच्छे से समझती हूँ। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ छत पर, योगा करूँगी। योग करने से मैं अच्छी दिखूँगी, आपकी तरह जल्दी बूढ़ी नहीं हो जाऊँगी। तो मुझे बुढ़िया बोल रही है? अरे अभी तो मुझे कोई देख लेना तो ये नहीं बोल सकता कि मैं बूढ़ी दिखती हूँ। अभी भी तुझसे 2 साल छोटी ही लगती हूँ मैं, और तू मुझे बूढ़ी बोल रही है? रहने दो माँ जी, आपसे कहाँ झुका जाएगा, कमर अकड़ जाएगी ना थोड़ा सा झुकने में। कोई बात नहीं, इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। आप यहीं रहो, मैं जाती हूँ। तू बार बार मुझे बूढ़ा साबित करने में क्यों लगी है? अरे तुझसे ज्यादा जान है मेरे अंदर और तू मुझे बूढ़ा बोल रही है। चल मैं भी तेरे साथ अब योगा करूँगी, तब पता चलेगा। माँ जी को बिना किसी बात के लिए मनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा क्या बोल दो, माँ जी तो अपने आप को साबित करने लग जाती हैं। चलो ये तो मेरे लिए ही अच्छा है। किरण सावित्री को चिढ़ा चिढ़ा कर अपनी बात मनवा लेती है, और सावित्री भी किरण के आगे अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए उसकी सारी बात मान रही थी। अब सावित्री भी अपनी बहू की तरह सुबह जल्दी उठ जाती और उसके साथ योग करने लगती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद किरण अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी काव्या उसके पास आती है और बोलती है, भाभी देखो ना मेरे बाल कितने टूट रहे हैं, आपके तो इतने अच्छे बाल हैं, क्या लगाती हो आप? मैं अपने बालों में कुछ नहीं लगाती, ये तो मेरे जल्दी उठने का कमाल है। भाभी क्या मजाक कर रही हो, जल्दी उठने से भला बालों का क्या संबंध है? अरे सुबह जल्दी उठो, ताज़ी हवा लो, योग करो, इससे हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। तभी तो मुझे देखो और अपने आप को देखो, बताओ फर्क है या नहीं? सच में भाभी, जल्दी उठने से इतने सारे फायदे हैं। काव्या तुम फायदे गिनते गिनते थक जाओगी, लेकिन जल्दी उठने के फायदे खत्म ही नहीं होंगे। अब माँ जी को ही देख लो, माँ जी भी मेरे साथ सुबह जल्दी उठती हैं और योगा करती हैं। अब मैं भी आपके साथ सुबह जल्दी उठना शुरू करती हूँ और योगा भी करूँगी। काव्या अपनी भाभी की बातें सुनकर अब रोज जल्दी उठने लगती है और रोज योग भी करती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद काव्या, किरण और सावित्री तीनों छत से योग करके नीचे आते हैं। तभी किरण का पति विवेक तीनों को एक साथ देखकर बोलता है, ये घर का महिला मंडल इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? और माँ काव्या, तुम दोनों भी सुबह जल्दी कब से उठने लगे? तुम लोगों का तो 8 बजे से पहले उठना ही नहीं होता था ना? उठना नहीं होता था तो जरूरी नहीं है ना कि आगे भी उठना नहीं होगा। ये दोनों मेरे साथ सुबह जल्दी उठकर योग कर रही थी। वैसे बहू को मानना पड़ेगा, खुद को जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन अब तो पूरे घर को ही जल्दी उठने पर मजबूर कर दिया, कहां हम इतने लेट उठते थे। माँ लेकिन जल्दी उठने में बुराई तो नहीं है ना कुछ? आप खुद ही बताओ ना, जल्दी उठने के बाद कितना अच्छा लगता है। मुझे अब समझ आया कि लोग जल्दी उठने के लिए क्यों बोलते हैं। बहू ने मुझे चढ़ा चढ़ा कर जल्दी उठने पर मजबूर किया, लेकिन अब मैं इसकी पूरी बात समझ गई हूँ। वैसे विवेक बेटा, अब से तू भी जल्दी उठा कर और हमारे साथ योगा किया कर। किरण ने अपने साथ साथ अपने पूरे घर वालों को भी जल्दी उठने की आदत लगवा दी थी, और उसके परिवार वाले इस आदत से काफी ज्यादा खुश भी थे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।